पुष्पोत्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। गोदी मीडिया योगी जी के बुलडोजर पर चढ़कर मुसलमानों का घर नेस्त नबूद करने पर तुला था। न जाने क्या क्या रिपोर्ट मुसलमानों के खिलाफ नहीं दिखाई गई। जिहादी बताया गया, लैंड जिहाद बताया गया, तो कहीं ना कहीं लव एंगल, लव जिहाद का एंगल भी खोज लाए, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों की मंशा काम नहीं आई। सलमान खुर्शीद आगे आई, उन मजलूमों के गम को समझा और उस फैसले को जो हाई कोर्ट ने दिया था उसे सुप्रीम कोर्ट लेके पहुंचे और 7 तारीख को सब जमीन दोज कर दिया जाएगा, इसकी खुशी पर उन्होंने लगाम लगा दी। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने जब इस फैसले पर रोक लगा दी तो गोदी मीडिया मातम मनाने लगा और योगी जी के बुलडोजर राज पर वो आंसू बहाता दिखा, क्योंकि बुलडोजर पर चढ़कर बैठने वाले एंकरों का कुछ भला हो नहीं पाया। लेकिन इसी के बीच वकीलों ने हल्द्वानी से जिस तरह से जीत हासिल हुई इस मामले पर, वकीलों ने जश्न मनाया है। एक बार इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं एडवोकेट आरफा खानम। साथियों, जैसा कि मालूम है आपको कि हल्द्वानी में अब स्टे हो चुका है। हल्द्वानी की जो गफूर बस्ती, इंदिरा बस्ती को तोड़ने की बात हो रही थी, अब उस पर स्टे हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ना वहां पर कुछ टूटेगा ना कोई नया निर्माण होगा, तो अभी पूरी तरीके से स्टे है। 7 फरवरी की डेट मिली है और जितने लोग सड़कों पर बैठे थे आज उनकी आंखों में खुशी के आंसू हैं, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने लगातार 2-3 बातें बार बार रिपीट की कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान कि अब मानवता के बारे में सोचा जाए, नेक्स्ट डेट पर आप आएंगे तो इसका हल निकाल के लाएंगे। क्योंकि अगर रेलवे की जमीन है तो जाहिर सी बात है सारे दस्तावेज भी देखे जाने चाहिए, उनके भी पेपर देखे जाने चाहिए। जो ट्रायल कोर्ट में ये बात कही जा रही है कि 1100 के करीब जो है वो मैटर जो पेंडिंग है, फिर सारी लीज जो है पट्टे की जो जमीन जो लीज पे मिली है तो उन लोगों के डॉक्यूमेंट्स भी देखे जाने चाहिए, तो ये सारे तमाम चीजें हैं। उसके बाद कानून को देखते हुए और मानवता को देखते हुए इस तरीके से एक हफ्ते के अंदर किसी के घर को रौंदा नहीं जा सकता। और बार बार उनसे यही कहा है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यही कहा गया है कि इसके बारे में रेलवे सोचे और अगली बार जब आएंगे तो इसका सोल्यूशन निकालिए, कोई प्लान हो, रिहैबिलिटेशन की कोई तैयारी हो, कोई प्लान हो। अगर आप उनको उनके घर से उनको बेघर ही करना चाहते हैं तो आप कम से कम कोई प्लान लेकर के आइए उनके लिए, क्योंकि 50-50 सालों से, 60-70 सालों से जो लोग रह रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आजादी से पहले से रह रहे हैं और उनके पास रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स है, जबकि रेल बार बार झूठ बोल रहा है कि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी उनके घर के ऑर्डर आए एक्स पार्टी करके हाईकोर्ट में, जिस तरीके से एक्स पार्टी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं था कि इस तरीके का कोई मैटर चल रहा है हाईकोर्ट के अंदर, एक्स पार्टी ऑर्डर करके ये ऑर्डर लाया गया हाईकोर्ट से, उत्तराखंड हाईकोर्ट से जो ऑर्डर आया है। तो आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त की थी, आप आगे भी इसी तरीके से दुआएं करते रहिए। फिलहाल तो हल्द्वानी की गफूर बस्ती नहीं टूट रही है, वहां पर वहां के जो तमाम लोग हैं यहां पर आए हुए थे, यहां पर वहां के विधायक सुमित जी भी यहां पर पहुंचे थे, और उन लोगों से कहना चाहती हूं जो बार बार इस तरीके की बातें करते हैं सोशल मीडिया पर और ऐसी बातें करते हैं कि मुसलमान सिर्फ इनक्रोच करता है, और सुप्रीम कोर्ट से जिनको भरोसा उठ गया था दोबारा से देखिए, सुप्रीम कोर्ट से ही हमें रिलीफ मिला है, फिलहाल तौर पर रिलीफ है, स्टे है, 7 फरवरी की डेट है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आगे भी, क्योंकि अगर रेलवे की जमीन भी अगर ये आगे अगर होती है, हमने जिस तरीके से डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज देखे हैं, रेलवे की जमीन भी है, तो कुछ रिहैबिलिटेशन किए बिना किसी को वहां से नहीं उखाड़ा जा सकता। तो दोस्तों, आपने देखा ये वीडियो और इसके बाद पूर्व सीएम हरीश रावत का भी वीडियो सामने आया है, एक बार इस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम जजमेंट मानवीय मूल्यों की रक्षा हो गई। हम सब लोग चिंतित थे कि इस यदि डिमोलिशन होगा, 52,000 लोग सड़कों पर आएंगे तो हमारे राज्य का जो मानवीय चेहरा है उस पर दाग लगेगा। हम चिंतित इस बात को लेकर के थे कि हमारा ये शांत प्रदेश लोगों की चीखों से गूंजेगा और एक अशांति फैलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मानवीय पक्ष को समझा और उन्होंने तोड़फोड़ की कार्रवाई, जो नोटिस आदि जारी किए गए थे, जो वहां पुलिस फोर्स भेज दी गई थी, तो
तोड़ने की पूरी तैयारियां हो गई थी वो सब पर रोक लगा दी और राज्य सरकार से कहा है कि इस समस्या का समाधान निकाल कर लाओ, कैसे लोगों को बसाना है। और हमने 2016 में इसका प्रयास किया और एक कानून बनाया है जो राज्य विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित किया, जिसमें मलिन बस्तियों के नियमितीकरण का कानून जो है, और उसमें हमने रिवर फंड को भी सम्मिलित किया था और गरीबों के लिए आवास योजना को भी सम्मिलित किया था। उसके चारों तरफ ही इसका समाधान निकाला जा सकता है। और उत्तराखंड की तरफ से और उन गरीब भाई बहनों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, मानवीय न्याय की जीत हुई। और अब हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने वाले हैं जिसमें देखकर आपको एहसास होगा कि 3 डिग्री सेल्सियस में जब शरीर थर्राने लगता है, ऐसे टाइम पे छोटे छोटे बच्चे अपने सर से जमीन छिन जाने के डर से बिलखते हुए तो नजर आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा है, एक बार इस वीडियो पर नजर। सुप्रीम कोर्ट का दिल से मतलब यही क्यों कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें मतलब सहयोग करा, हमारे लिए हमें समझा मतलब सुप्रीम कोर्ट ने, तो हम दिल से थैंक यू। गोदी मीडिया की बात हो गई और उनके उसको खदेड़ने वाला वीडियो ना दिखाया जाए तो आपको लगेगा ये बात अधूरी रह गई। एक बार इस वीडियो पर भी नजर डालिए। वो भी मैंने आपने देखा ये वीडियो जहां पर खुद पुलिस गोदी मीडिया को उनके आक्रमक फैसले के बाद दिखाती रिपोर्टिंग को मना करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। और ये तो साफ है कि चाहे नफरत की वो तमाम प्लानिंग प्लॉटिंग की जाए, लेकिन उसके बावजूद सच को कोई नहीं डिगा सकता। और वो कहते हैं ना, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। मंजूरे खुदा की तस्वीर आज हमारे सामने है और 50,000 वो मुसलमान आज अपने घरों में सुकून की नींद सोएंगे। कैसी लगी ये रिपोर्ट, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।